गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एक बार पुनः मैं हमारे इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, उस प्रीवियस वीडियो में हम पाश्चात्य राजनीति की तरह जो हमारी बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ये इसका अध्ययन करें और इसमें मैकियावेली का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने मैकियावेली है, इसके शासन कला पर क्या विचार थे, धर्म और राजनीति में किस प्रकार इसने संबंध स्थापित किया था, इसके बारे में अध्ययन किया था। अब आज के हमारे इस क्लास में सबसे पहले हमारे को मैकियावेली के बारे में ये प्रमुख चीज़ें, दो नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा था, डनिंग ने कहा था। मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, रेनेसंस का प्रतिनिधि किसने कहा था, शेबाइन ने कहा था। इटली का चाणक्य था मैकियावेली, और आधुनिक युग का जनक या उदारक भी कहते हैं, आधुनिक युग का प्रथम विचारक था ये। और मैकियावेली की प्रमुख रचनाएं द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार और डिस्कोर्सेज, ये मैकियावेली की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं। और राजनीतिक चिंतन है, इस राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली है इसने क्या दिया है, आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दर्शन में मैकियावेली को युग का शिशु कहते हैं, मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा था, डनिंग ने कहा था। तो युग का शिशु कहने के साथ साथ मैकियावेली को आधुनिक जो युग है उसका जनक या उदारक भी कहा जाता है, इस बात का। मैकियावेली पुनर्जागरण के शिशु है और पुनर्जागरण आधुनिकता का प्रारंभ है। मैकियावेली वो पुनर्जागरण के शिशु है और पुनर्जागरण है, इस पुनर्जागरण के बाद में क्या हुई, आधुनिक जो युग है ये रेनेसंस है, इसके बाद में जो मॉडर्न युग है इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक युग है ये मैकियावेली से भी, मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक या उदारक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आधुनिक युग है इसकी शुरुआत किससे हुई है, मैकियावेली से हुई है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आज हम जो मैकियावेली है इसको आधुनिक युग का जनक है वो क्यों कहा जाता है, मैकियावेली को आधुनिक युग का उदारक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और राजनीति विज्ञान है इसको मैकियावेली है इसने क्या महत्वपूर्ण देन दिया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला ये है राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाक, राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाक, संदेशवाक मैकियावेली है ये राष्ट्रीय राज्य का क्या था, संदेशवाक था, क्योंकि जब मैकियावेली था उस समय इटली है वो कितने टुकड़ों में बंटा हुआ था, पांच जो टुकड़े हैं या इटली है इसके पांच भाग थे। आधुनिक युग के प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ, और इसमें क्या हुआ, आधुनिक युग के प्रत्येक विचारक ने इसे राष्ट्रीय राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया है, जबकि मैकियावेली उसमें क्या था, राष्ट्रीय राज्य की जो कल्पना की है उसमें मैकियावेली क्या था, मैकियावेली है वो सर्वप्रथम था राष्ट्रीय राज्य की कल्पना करने वाले। अगर राजनीतिक विचारों की हम बात करें तो उसमें मैकियावेली क्या था, सबसे प्रमुख विचारक या प्रथम विचारक था, एक विचारक है डॉयल जिसने मैकियावेली के बारे में कहा है, डॉयल ने कहा है मैकियावेली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना और विश्लेषण किया। डॉयल ने कहा है कि मैकियावेली है वो प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य है उसकी क्या किया, विश्लेषण किया, राष्ट्रीय राज्य है उसकी विवेचना की, और इस राजनीतिक साव्य की धारणा को जन्म देने की, और इस राष्ट्रीय राज्य की जो राष्ट्रीय राज्य की जो कल्पना है ये धारणा है इसको क्या की, जन्म देने की कोशिश की, किसने की, मैकियावेली ने। उसकी जो प्रमुख पुस्तक या श्रेष्ठ कृति प्रिंस है उसमें इस बात का क्या है, प्रमाण है, अपने जो द प्रिंस बुक है इसमें इसने इस बात का परिणाम दिया है कि राष्ट्रीय राज्य इसका संदेशवा कौन था, मैकियावेली था। दूसरा है राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण, राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण, राज्य की जो आधुनिक स्थिति है इसका निरूपण। तो देखो इसमें आधुनिक युग का प्रमुख लक्षण या राज्य को प्राप्त अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है कि अरस्तु के बाद मैकियावेली है सबसे पहला राजनीतिक विचारक है जिन्होंने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का, अरस्तु के बाद में मैकियावेली प्रथम राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य की जो आधुनिक स्थिति है इसका क्या किया, चित्रण किया, इसका रूप है ये प्रस्तुत किया। मैकियावेली ने राज्य की महत्व का इस सीमा तक प्रतिपादन किया कि
उसे एक प्रकार से क्या बना दिया, एक प्रकार से राज्य उसको उसने क्या बना दिया, साध्य बना दिया। इसने बताया था मैकियावेली ने कहा था कि राजा को अपने शक्ति बढ़ाने के लिए छलकपट का भी क्या लेना चाहिए, सारा ले लेना चाहिए, क्योंकि साधन को कोई नहीं देखता है, सभी लोग किसकी ओर ध्यान रखते हैं, साध्य की ओर ही ध्यान रखते हैं। तो मैकियावेली ने सबसे पहले बताया था कि राज्य एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता है जिसकी अधीनता से अन्य सारी संस्थाएं और संगठन है। वो मतलब मैकियावेली का कहना था कि राज्य एक ऐसी सर्वोपरि या सर्वोपरि संगठन है जिसमें ही अन्य जो सारी संस्थाएं हैं वो क्या हो सकती है, फल फूल सकती है। इसलिए राज्य क्या होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, राज्य वो क्या होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। सेबाई ने भी मैकियावेली के बारे में कहा कि राजनीतिक विकास की दिशा में होने वाले इस परिवर्तन को सबसे पहले किसने बांप लिया था, मैकियावेली ने बांपा था, किसमें, कि भाई राज्य वो क्या होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। तो इस सेबाई ने कहा कि इस स्थिति को मैकियावेली ने क्या कर लिया है, पहले बांप लिया है। तीसरा, इसने राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक मैकियावेली है ये। मैकियावेली है ये राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक था। सेबाई ने कहा मैकियावेली के लिए कि सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में उसी की रचनाओं से शुरू हुआ था। सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में जो राज्य शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग है वो किसकी रचनाओं में, मैकियावेली की रचनाओं में ही, जो द प्रिंस है, द आर्ट ऑफ वार है और डिस्कोर्सेज, इस जो द प्रिंस है इसमें ही सबसे पहले जो राज्य है वो क्या होना चाहिए, शक्तिशाली राज्य होना चाहिए या राज्य शक्ति संपन्न राज्य होना चाहिए, इसका सबसे पहले किसने कहा है, मैकियावेली ने कहा है। तो सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक जो भाषाएं हैं ये मैकियावेली की रचनाओं में शुरू हुआ है। मैकियावेली के समय से राज्य वो संप्रभु कहा जाने लगा और बाद में संप्रभुता का सिद्धांत, और मैकियावेली के बाद में जो संप्रभुता का सिद्धांत है ये आया था और इसको किसने, फ्रांस का जो जीन बोधा था उसने दिया था। तो उससे पहले प्रभुसत्ता है वो नहीं थी या संप्रभुता का सिद्धांत है ये मैकियावेली के बाद में ही आया है। तो राज्य की प्रभुसत्ता का भी क्या है, पोषक है। अगला है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्त्व है। राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्त्व है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक तो कहते कहने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि इसने राजनीति और धर्म, मैकियावेली ने राजनीति और धर्म और नैतिकता का क्या किया था, राजनीति में धर्म और नैतिकता का, ये प्रथम आधुनिक विचारक था जिसने क्या किया था, पृथक्करण किया था। राजनीति में धर्म और नैतिकता को क्या कर दिया था, इसने अलग अलग कर दिया था। आधुनिक युग का जनक कहने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि उसके द्वारा राजनीति का धर्म और नैतिकता से, राजनीति है इसको धर्म और नैतिकता से इसने क्या कर दिया था, पृथक्करण कर दिया था, और इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, आधुनिक राजनीति इसका क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वेता कहने का सर्व प्रमुख कारण यही है कि उसने धर्म और नैतिकता के प्रति उसकी उदासीनता और उसके द्वारा केवल लौकिक अनुभव और मानवीय विवेक को ही की गई अपील है। अगला है शक्तिवादी राजनीति के परिणेता मैकियावेली है। ये मैकियावेली है वो शक्तिवादी मैकियावेली है वो शक्तिवादी राजनीति के क्या थे, प्रणेता थे। राज्य वो सर्वोच्च या राज्य के पास क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति के लिए राजा है वो किसी हद तक क्या कर सकता है, गुजर सकता है, या राजा को अपने राज्य की क्या बढ़ानी चाहिए, शक्ति बढ़ानी चाहिए। तो आधुनिक युग की एक विशेषता है शक्तिवादी राजनीति, पावर पॉलिटिक्स है, और इस शक्तिवादी राजनीति को प्रारंभ किसने किया था, आधुनिक युग में जो शक्तिवादी राजनीति है इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको है, मैकियावेली को ही है। आधुनिक राजनीति में जो शक्तिवादी या ये पावर ऑफ पॉलिटिक्स है इसको शुरू करने का या प्रारंभ करने का श्रेय किसको है, मैकियावेली को ही है। मैकियावेली ने एक केंद्रीय सत्ता की, मैकियावेली ने एक केंद्रीय सत्ता की, सत्ता का क्या होना चाहिए, एक केंद्रीयकरण होना चाहिए, एक स्रोत होना चाहिए, सत्ता एक किसी केंद्र होना चाहिए और उसी के पास सारी शक्तियां होनी चाहिए। तो मैकियावेली ने
केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया और शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की। और मेकेले ने कहा कि शक्ति क्या है, सर्वोच्च है। मेकेले ने शक्ति की जो सर्वोच्चता है उसकी क्या की, पूजा की। उसने कहा कि शक्ति क्या है, सर्वोच्च है, और वो से कैसे ही हो, जिस प्रकार से ही वो आती है, वो सारी क्या है, एकदम उचित है। मैक्सी ने कहा कि यथार्थवादी दृष्टिकोण अपने मैक्सी ने कहा कि यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है उसको अपनाने वाला अगर कोई प्रथम विचार है कोई है तो वो कौन है, मैकियावेली है। मैक्सी ने कहा कि अगर यथार्थवादी, शक्ति का मतलब क्या है, शक्ति हमारे पास हकीकत में या वास्तविक रूप में होनी चाहिए, तो वास्तविकता को स्वीकारने वाला अगर कोई प्रथम विचार है तो कौन है, मैकियावेली है। मैक्सी ने कहा कि यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला प्रथम विचारक था कौन, मैकियावेली। व्यक्तिवाद के समर्थक मैकियावेली है, ये व्यक्तिवाद के समर्थक थे। मैकियावेली व्यक्तिवाद के समर्थक थे। आधुनिक युग की एक विशेष प्रवृत्ति है वो क्या है, व्यक्तिवादी विचारधारा। आधुनिक युग की जो प्रमुख विचारधारा वो क्या है, व्यक्तिवादी, मतलब व्यक्तिवाद का समर्थन करना, व्यक्ति को स्वतंत्र करना। और आधुनिक युग के प्रारंभ में व्यापार वाणिज्य उद्योग है, इसका क्या हो रहा था, प्रचार प्रसार, व्यापार है वाणिज्य है उद्योग धंधे, इनका क्या हो रहा था, प्रसार हो रहा था। और इसलिए इसने क्या किया, व्यक्ति को क्या कर दो, अपने आर्थिक कार्यों में, अपने राजनीतिक कार्यों में इसको क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो। प्रसार प्रसार हो रहा था और ये विचारधारा बल ग्रहण कर रही थी कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में क्या नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और मैकियावेली ने शासन को परामर्श दिया कि प्रजाजन के धन का किसी भी दशा में क्या नहीं करना चाहिए, प्रजाजन राजा को प्रजाजन का जो धन है या संपत्ति है उसकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। और राजा को या राज्य को व्यक्ति के जो संपत्ति संबंधित कार्य है उसमें क्या नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका प्रथम कोटेशन था ही कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है परंतु अपनी संपत्ति छीनने वाले को कभी नहीं भूल सकता। तो इसलिए उसने कहा कि राजा ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, प्रजाजन की संपत्ति की रक्षा करे। भौतिकता और उपयोगिता के प्रवर्तक, भौतिकता तथा उपयोगिता के प्रवर्तक मैकियावेली है। ये भौतिकता तथा उपयोगितावाद है, इसके क्या थे, प्रवर्तक थे। आधुनिक युग में भौतिकवाद और उपयोगितावाद का भी विशेष स्थान है। और मैकियावेली इस संबंध में क्या थे, अग्रणी थे। और उन्होंने कहा कि मानव को यह लौकिक सुख की कामना करनी चाहिए और उसके लिए सारा प्रयत्न। मैकियावेली ने कहा कि भाई भौतिकवादी था ये, उपयोगितावाद के सिद्धांत पर कि व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिलना चाहिए। इसलिए मैकियावेली ने कहा कि व्यक्ति को, मानव को ये लौकिक सुख की कामना करनी चाहिए और इसके लिए उसको सारा प्रयत्न करना चाहिए। राज्य और प्रभुता, कला और सौंदर्य। मैकियावेली ने कहा कि राज्य और प्रभुता, कला और सौंदर्य, नारी और मदिरा, ये क्या है, भोग योग्य वस्तुएं हैं। मैकियावेली ने कहा कि राज्य और प्रभुता, कला और सौंदर्य, नारी और मदिरा, ये भोग की वस्तुएं हैं। और मैकियावेली का यह सुखवादी संदेश आधुनिक मानव के लिए क्या है, अत्यधिक प्रतिकर है। और इस आधार पर उसे क्या कहा जा सकता है, उपयोगितावाद का प्रवर्तक भी। मैकियावेली ने कहा कि राज्य है, प्रभुता है, कला है, सौंदर्य है, नारी है, मदिरा, ये क्या भोग्य वस्तु है, इसको क्या करना चाहिए, भोग करना चाहिए। इसलिए मैकियावेली को क्या कह सकते हैं कि ये भौतिकवादी था तथा उपयोगितावाद का प्रणेता भी इसे कह सकते हैं। तो आज हमने जो मैकियावेली है, इनके किस प्रकार से उसने राजनीतिक चिंतन को अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था उसके बारे में अध्ययन किया, और क्या क्या इसने वो परिवर्तन की थी इसके बारे में अध्ययन किया है। और आगे की क्लास में हम इसके जो आगे के विचार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारी जो बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इसका जो अध्ययन है मैकियावेली, इसका अध्ययन कर लेना और इसकी प्रमुख जो बातें हैं उनका रिवीजन कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।